हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके स्टडी टॉपिक्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8 फरवरी के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका क्या नाम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्योम मित्रा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्योम मित्रा। फ्रेंड्स, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। फ्रेंड्स, भारत का इसरो 2024 की तीसरी तिमाही में मानव रहित व्योम मित्र मिशन की तैयारी कर रहा है जो देश को 2025 में विशाल गगनयान मिशन की ओर प्रेरित करेगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिशेल ओ नील को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे नियुक्त किया गया है, तो मिशेल ओ नील को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस देश। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश बना है, तो फ्रांस देश। 4 है, हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य में। फ्रेंड्स याद रखिएगा, बापू टावर कहाँ पर बनाया गया है, तो बिहार में। फ्रेंड्स, बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी चाक इलाके में 120 फीट ऊंचे बापू टावर के भवन का निर्माण हो कार्य पूरा हो गया है। बापू टावर का निर्माण पर्यावरण प्रबंधन तथा सतत विकास के उच्च मानकों तथा वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हेज गिंगोब का निधन हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामीबिया। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओलेग कोनोनेको ने। फ्रेंड्स याद रखिएगा, सर्वाधिक समय किसने बिताया था, ओलेग कोनोनेको ने। फ्रेंड्स, रूसी अंतरिक्ष यात्री ने ओलेग कोनोनेको ने 878 दिन का लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यू ललित। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन शामिल हुए हैं, यू ललित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। फ्रेंड्स, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। अगला पॉइंट, गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट, NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। अगला पॉइंट है, गुजरात भारत के पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है, इसे भी आप लोग याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भुवनेश्वर में बरमुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR अंबेडकर के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज के का पता लगाया है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल देश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिस मोमेंट ने। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 2024 ग्रैमी अवार्ड में ग्लोब म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है, तो दिस मोमेंट ने।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद को। फ्रेंड्स स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है तथा सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है तथा रितु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुई है। अगला पॉइंट है, प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य को बनाया गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कौन भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PT उषा को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो PT उषा को। फ्रेंड्स PT उषा, महान धाविका PT उषा को रविवार 4 फरवरी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन शहर। फ्रेंड्स चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।